नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी चैप्टर न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। दोस्तों, यूपी चैप्टर न्यूज प्राइम टाइम में आपका स्वागत है और वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं लेकर खबरों का खजाना। तो हमारे आज के प्राइम टाइम की पहली खबर है समाजवादी पार्टी से, क्योंकि सपा में टुटका लग गया है और सपा को लोग टाटा बाय बाय कहना प्रारंभ कर दिया है। इसी क्रम में कमालगंज क्षेत्र पंचायत सदस्य पूर्व जिलाध्यक्ष अपना दल एस के जितेंद्र कटियार उर्फ रिंकू लखनऊ कैंट कार्यालय प्रांतीय मासिक बैठक में अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व में घर वापसी कर चुके हैं। आपको बताते चले कि हाल ही में विधानसभा चुनाव से पहले रिंकू कटियार अपना दल एस छोड़कर सपा में शामिल हुए थे और एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में हमेशा चर्चाओं में रहे, परंतु जनपद से सपा के तोते उड़ जाने के बाद उन्होंने भी उड़ने की और सदा बोलने वाले रिंकू कटियार ने मुंह बंद कर सपा को टाटा बाय बाय कह दिया और अपने समर्थकों के साथ कैंप कार्यालय लखनऊ में चल रही प्रांतीय मासिक बैठक के दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में अपना दल एस की सदस्यता ग्रहण कर ली। अपना दल एस ने भी खुले दिल से रिंकू कटियार का स्वागत किया। रिंकू कटियार के सपा छोड़ने से जनपद में सपा को करारा झटका लगा है। तो आइए और हम सुनते हैं प्राइम टाइम की दूसरी खबर। आने वाली 5 जून को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है, जिसको लेकर जनपद फर्रुखाबाद में बड़े जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं और सूबे में दूसरी बार भाजपा की सरकार बनने के तुरंत बाद ही फर्रुखाबाद शहर के सुंदरीकरण के लिए चलाए गए अतिक्रमण अभियान में एक जैसी कार्रवाई पर मुस्लिम समाज की खुशी का ठिकाना नहीं है। इसीलिए मुस्लिम समाज के सैकड़ों भाजपाई कार्यकर्ता हाजी परवेश कुरैशी, जीशान राइन, मोहम्मद असद कुरैशी, मोहम्मद अल्तमस कुरैशी, मोहम्मद अहमद मसूदी, मोहम्मद अरशद मसूदी, मोहम्मद असद मसूदी, कारी तदहीर रजा, कारी मुख्तार साहब, मौलाना मोहम्मद शाहिद, अफसर खां, आबिद खां, इरशाद खां, वली मोहम्मद कुरैशी, इरफान कुरैशी व जीशान जोगी आदि ने जिला संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच आरएसएस व सदस्य भारतीय जनता पार्टी मोहम्मद असलम कुरैशी के निवास पर हाफिज पुत्तन मियां मसूदी प्रांतीय संयोजक के नेतृत्व में बैठक सम्पन्न की, जिसमें मुस्लिम समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति अपनी श्रद्धा जाहिर करने हेतु आगामी 5 जून को शहर के मोहल्ला अब्दुल गली खां मस्जिद में हाजी परवेज कुरैशी के आवास पर जन्म दिवस मनाने का कार्यक्रम तय किया, जिसमें बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यकों की संख्या एकत्रित होकर केक काटेगी। बैठक के दौरान मोहम्मद असलम कुरैशी व हाफिज पुत्तन मियां ने यूपी चैप्टर न्यूज को बताया। मैं के मोहम्मद असलम कुरैशी भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा कानपुर मंडल प्रभारी, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जिला संयोजक होने की हैसियत से आज अपने निवास पर एक बैठक की, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी का जन्मदिन मनाने के लिए तय किया गया, जिसमें शहर के तमाम मौजूद और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। साथ में ही हमारे छोटे भाई हाफिज पुत्तन मियां, जो प्रांत संयोजक कानपुर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, वो भी मौजूद रहे। उनके सामने ही एक प्रस्ताव पास किया गया और जिसमें ये तय किया गया कि आज़ादी के बाद अभी तक कोई लगातार दोबारा मुख्यमंत्री नहीं हुआ। योगी जी महाराज ही एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं लोकप्रिय, जो उत्तर प्रदेश की जनता महापुरुष व लौह पुरुष के नाम से जानती है। इसलिए मुस्लिम समाज ने भी एकजुट होकर ये निर्णय लिया कि हम लोग जोशो खरोश एकता के साथ जबरदस्त जन्मदिन आने वाली 5 तारीख को
मनाएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष अन्य पिछड़ा वर्ग मुस्लिम मसूदी बिरादरी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा, संयोजक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच प्रांत कानपुर हाफिज पुत्तन मियां मसूदी असलम भाई को तहे दिल से मुबारकबाद देता है इस बात की कि इन्होंने जो बहुत अच्छा फैसला लिया, हम इस फैसले के कायल और इनके लिए दुआए खैर करते हैं कि इस प्रोग्राम में जो माननीय योगी जी के 50वें जन्मदिन मनाने की बात चल रही है, मुस्लिम आवाम ने भी जो हमारा साथ दिया, हम मुस्लिम भाइयों का भी स्वागत करते हैं, दिल की गहराइयों से खैर मकदम करते हैं कि उन्होंने देर आए दुरुस्त आए भारतीय जनता पार्टी को समझने और लोगों को समझाने की जो कोशिश की, हम ऐसे मुस्लिम भाइयों का भी बहुत दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं और साथ सारे लोगों से अपील करते हैं कि अब नहीं है कोई टक्कर में, काहे पड़े हो चक्कर में। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी। माननीय इंद्रेश कुमार जी जिंदाबाद, जे पी नड्डा जी जिंदाबाद, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहें।